केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जिला किसान संघर्ष समिति सुपौल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने पिपरा अंचल कार्यालय परिसर में सामने जमीन सर्व कार्य में अनियमितता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना में बड़ी संख्या में इलाके के किसान शामिल हुए। धरना में शामिल किसानों ने कहा कि सर्व कार्य से व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। कहा कि जब तक अंचल स्तर से रेतों के जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक सर्व का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कहा कि जमीन का कागजात अंचल स्तर से दुरुस्त नहीं होने के कारण सर्व में किसी का जमीन किसी के नाम पर तो कहीं खाता खेसरा में गड़बड़ी जैसी कई समस्या आ रही है, जिसके चलते रेतों की परेशानी बढ़ गई। कहा कि खाता खेसरा में सुधार और परिवार्जन के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सैकड़ों किसानों ने पिपरा अंचल कार्यालय परिसर के सामने धरना दिया और मांग किया कि अंचल स्तर से रेतों की जमीन का कागजात समय से सुधार किया जाए। किसानों ने पिपरा सीओ को ज्ञापन सौंपने की बात कही। किस चीज को लेकर के हम लोग का मांग है, जो अभी जो हम लोग किसान पिपरा प्रखंड से इतने जमा हुए हैं, ये हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो सर्वे का काम बंद हो, और सर्वे के काम में उस समय चालू करवाएंगे आप जब सीओ के स्तर से जितने भी कागजात किसान की जो प्रॉब्लम है उसको अगर दुरुस्त कर लिया जाएगा तब आप सर्वे का काम करवावे। हम लोग यही मांग रखते हैं। तो क्या त्रुटि है इसमें जी? इसमें तो सभी त्रुटि ही त्रुटि है, सही कोई चीज ही है ही नहीं। जहाँ भी है सब त्रुटि है। नाम अंकित गड़बड़ है तो पिता का नाम गड़बड़ है, खाता ठीक है खेसरा गड़बड़ है, चौहद्दी गड़बड़ है, सब जगह गलती ही गलती किया गया है। इसकी सूचना दी है? हाँ सूचना दिया गया है, सूचना दे करके हम लोग ये धरना कर रहे हैं। सूचना का कॉपी भी है, सूचना का कॉपी देख सकते हैं। सूचना मुख्यतः जो है तो अंचल कार्यालय से जो जमीन का दस्तावेज है किसान के पास 124-20 वर्ष के बाद सर्वे हो रहा है, 120 वर्ष में किसान के पास सुरक्षित नहीं भी है। अंचल के पास जो कागज है उसको सही दुरुस्त करके सबके हाथ में दे दिया जाए, कोई रसीदे दे दिया जाए सही सही, वो दम सर्वे में दे दिया जाएगा, बात खत्म है। अब रसीद में खाता खतरा नहीं है, रजिस्टर 2 में किसी को नहीं मिल रहा है, तो अब सरकार के घर में हम लोग रेंट देते आ रहे हैं, सरकार के घर में कागज है, हम लोग को उसका सही सही कर दे। हाँ 120 वर्ष के बाद सर्वे हो रहा है, 1903 में हुआ था, उससे 5-10 साल पहले शुरू हुआ था, 1903 में फाइनल हुआ, 120 वर्ष के बाद कहाँ कैसे कागज रहेगा? बाढ़ का इलाका है, पहले लोग को फूस का घर था, आंधी में उड़ जाता था, इसलिए इसको किसान पर ये भार नहीं लाद गए। 15 दिन का आपत्ति का टाइम दे दिए, 15 दिन जानकारी में बीत गया, सब तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पहले अंचल स्तर से सब कागज पत्र सही करवा दीजिए। अंचल अधिकारी से रिक्वेस्ट है कि परिमार्जन से हो, ऑनलाइन जमाबंदी से हो, जैसे हो से आपको अभी ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग। हम लोग ज्ञापन सोचेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मुखिया जी जो बोले कि कैंप लगाइए, कैंप भी लगवाने का आग्रह करेंगे। पिपरा प्रखंड पर मूल किसानों का धरना मात्र 2 सवाल को लेकर के हो रहा। एक नंबर सवाल है जो सर्वे कार्य प्रारंभ हुआ है तो हम कर्मचारी को सीए को सीओ को तनख्वाह देते हैं रही रैयतों की कागजात को दुरुस्त अपने अंचल में रखे और उसी दुरुस्त कागज के आधार पर हम उसको रेंट देते हैं और उस जमीन का गलत प्रविष्टि किया जा रहा है। सर्वे में जो काफी मात्रा में लूट मचा हुआ है इस पर लूट लगाने की बात हम सरकार से करते हैं। दूसरा मुद्दा है बिहार सरकार, पूरे बिहार में 10 लाख जमाबंदी को रद्द करने की बात किया है। सुपौल जिला में आपको 21,266 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने का काम किया है, जो अंग्रेज के जमाना में गुलामी के समय में किसानों को कबूलियत परवानगी और बंदोबस्त रसीदी बंदोबस्त के माध्यम से जमीन प्राप्त हुआ था, उसका जमींदार बिहार सरकार के सिरिस्ता में रिटर्न भी दाखिल कर दिया है। 62 में उस जमीन होकर के नार गया, उस रैयत को उस जमीन का मुआवजा भू अर्जन कार्यालय द्वारा दिया गया और आज जो है उसी जमीन होकर के रेलवे और 6 लेन जा रहा है, किसानों के घर का पैसा नहीं दे रहा है और जमीन का पैसा नहीं दे रहा है। इसी दो मुद्दा पर एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ बिहार की किसान है, आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार रहेगी या किसान रहेगी। इसी मुद्दा पर किसान आज गोलबंद होकर के पिपरा प्रखंड पर धरना दे रहा है। हम आपको जिला किसान संघर्ष समिति के वरिष्ठ साथी और भाकपा माले के जिला सचिव जयनारायण यादव बोल रहे हैं।
के पंचायत में मोजा में 3 तारीख को हम लोग का पर्चा देना शुरू किया और उसके बाद जो है 6 तारीख को जो है बंद हो गया पर्चा देना। और पर्चा जो लेके आए थे पर्चा देने वाले वो 150 पर्चा था और 5000 रैयत को बुला के 150 पर्चा में 5000 रैयत को बुलाए, उसके बाद किसी को पर्चा मिला किसी को नहीं मिला। उसके बाद हम लोग 14 तारीख को हम लोग जब बैठकी किए तो उसमें तब उसके बाद 5 अमीन को वहाँ भेजा, वो अमीन जो है नंबर एक खेसरा का निकाल के देता था तो उसमें कम से कम 60-70 को आता था और किसी का भी अपना नहीं मिलता था खेसरा। और उसके बाद जो है उसके बाद जब आता था तो नहीं मिलता था और हम लोग का समय भी दे दिया है 22 तारीख तक, कल ही तक हम लोग का आवेदन देने का समय है। और हम लोग ये सीओ के सामने आए हैं धरना पे, हम लोग का आवेदन का दिन बढ़ाए, फर्स्ट चरण का 60 दिन का हम लोग को समय दे। उसमें किस प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, मतलब जमीन मेरा है और जमीन किसी दूसरे के नाम पे चल गया, उसका हम सब कागज दिए हैं, सब उसका नक्शा जो कटा है वो रकवा कम है, चौहद्दी गड़बड़ है। किसकी कमी है इसके अंदर? इसमें कमी है अमीन की, पदाधिकारी की, सीओ की, जो पंजीकरण नहीं दिए हैं उसके आधार पे नहीं करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर्वे हो और सही ढंग से सर्वे हो, जिसका जो जमीन है उसको वो जमीन मिलना चाहिए। आप जब अमीन जाता था वहाँ घर पे, आपके घर पे गया, आप पूछ लिया कि किसका घर है, बता दिया फलना का घर है, तो वहाँ का जमीन तीसरे के नाम से कैसे हो गया? और वो कागज भी दिया और अमीन को बार बार बदला जा रहा है, एक अमीन एक मोजा में नहीं रह रहा है और उसको बदल के जाता है, वो पैसा लूट खुस के लेके जाता है, फिर दूसरा आता है वो पैसा का डिमांड करता है, बोलता है कि भाई भाई नहीं करवाइएगा सर, सर्वे नहीं करवाइएगा तो आपका जो है जमीन बिहार सरकार हो जाएगी। यह तो इस तरह का आयोजन किसान का बहुत दिनों के बाद पिपरा में हुआ है, इसके लिए हम आयोजक बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आम जनता का जो प्रॉब्लम है इसको उठाने के लिए सबसे बड़ा मंच है किसान आंदोलन, और किसान आधारित है जमीन जगह पर, और जमीन जगह का जो समस्या है सर्वे परिमार्जन दाखिल खारिज ये सब चीज़ जो है सो बिना घुसखोरी का सही तरीका से होना चाहिए। और हम चाहते हैं जो इसका प्रत्येक मौजा में 10-10 दिन का समय दे के निर्धारित करके सीओ साहब और प्रत्येक मौजा में जो है सो कैंप लगा करके परिमार्जन दाखिल खारिज का काम यदि करेंगे तो उस गांव के सभी लोग मौजूद रहेंगे और सबके सामने में परिमार्जन होगा तो किसी का जमीन कोई अपने नाम पर नहीं चढ़ाएंगे, सबके सामने आम सूचना उसको कहिए और सारा चीज़ पूरे गांव के सामने समक्ष होगा और सही होगा। मैं चाहता हूँ जो निश्चित रूप से सीओ साहिबा प्रत्येक मौजा में एक समय निर्धारित करें, 1 सप्ताह का या 10 दिन का, जो हर एक मौजा का अलग अलग टाइम दे के परिमार्जन दाखिल खारिज का काम यदि सही सही हो जाता है तो स्वतः सर्वे का काम जो है तो सही हो। प्रदर्शन जिला स्तरीय है या प्रखंड स्तरीय? ये प्रखंड स्तरीय है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।